हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अखिल, आप देख रहे हैं एक्टिव गेमिंग यूट्यूब चैनल। तो बस पिछले वाले लॉस एंजेलिस क्राइम ऑनलाइन के न्यू अपडेट वाले वीडियो मैंने आप लोग बताया था कि लॉस एंजेलिस क्राइम ऑनलाइन के वर्षन 1.7.2 के अंदर हम लोगों को कौन सा नया अपडेट देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें जो आप लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। बट उस वाले वीडियो के कमेंट में जो और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई बॉलफील्ड गेम को जो प्ले स्टोर के ऊपर से क्यों हटाया है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। और साथ में जो लॉस एंजेलिस क्राइम ऑनलाइन के न्यू अपडेट में जो एक और नया चीज जो ऐड हुआ है, तो उसके ऊपर भी हम लोग जो वीडियो में बात करने वाले। तो आप लोग जो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहेगा, और वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो बस पहले अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं पॉलीफील्ड गेम के रिलेटेड कि आखिर पॉलीफील्ड जो गेम है वो प्ले स्टोर के ऊपर से क्यों हटा दिया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस गेम के डेवलपर ने जो है खुद हमसे शेयर किया है कि इस गेम के अंदर जो है पॉलिसी इश्यू के वजह से जो है इस गेम को कुछ महीने पहले जो है प्ले स्टोर के ऊपर से भाई ऑफिशियली गूगल की तरफ से जो है हटा दिया गया था। एंड वो पॉलिसी इश्यू क्या है वो तो उन्होंने नहीं शेयर किया है, बट उन्होंने कहा है कि इस गेम का जो न्यू अपडेट जो आएगी, जो अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। यस गाइस, पॉलीफील्ड के न्यू अपडेट के ऊपर जो है काफ़ी जोरों शोरों से काम चल रहा है, एंड काफ़ी बड़ा जो है पॉलीफील्ड के जो बड़ा अपडेट जो आने वाला है, जो कि मैं आप लोगों को शेयर करते ही आ रहा हूं काफी टाइम से। एंड मैं आप लोग बता दूं कि जब पॉलीफील्ड गेम का न्यू अपडेट रिलीज हो जाएगा, जिस दिन रिलीज होगा, तो तब जो हम लोग को प्ले स्टोर के ऊपर पॉलीफील्ड जो गेम है वो फिर से जो रिटर्न देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि इसके न्यू अपडेट के ऊपर जब काम कर रहे इस गेम के डेवलपर, तो उस गेम के न्यू अपडेट के साथ साथ जो पॉलिसी इश्यू आया था उसको भी जो फिक्स करके गेम को जो प्ले स्टोर के ऊपर फिर से जो पॉलीफील्ड गेम आ जाएगा, तो तब जो हम लोग इजिली डाउनलोड करके प्ले कर पाएंगे। तो जो लोग जो पॉलीफील्ड गेम के न्यू अपडेट के रिलेटेड इंतजार करें, तो आप लोग जो इंतजार करिए, बहुत जल्दी जो इसका न्यू अपडेट आ जाएगा, तो तब जो हम लोग आराम से प्ले कर पाएंगे और साथ में जो वो प्ले स्टोर के ऊपर भी रिटर्न हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं LAC के न्यू अपडेट के रिलेटेड। तो मैं आप लोग बता दूं कि जितना भी सारा इन्फॉर्मेशन था वो सारा कुछ जो मैंने आप लोग जो पिछले वाले LAC न्यू अपडेट के वीडियो में बता दिया है, तो आप लोग जो उस वाली वीडियो को पूरा देख लीजिएगा जहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अभी जो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें जो एक और न्यू चीज़ जो ऐड किया गया, ऐड ने मतलब कि रिमूव किया गया, यहाँ पर जो लाइट ब्लू कलर का इन चार्ट में जो है कुछ रिमूव किया गया, तो इस चीज को जो है अभी फिक्स किया गया। यानी कि आप लोग सोच सकते हैं कि LAC वर्जन 1.7.2 के ऊपर जो है बहुत ही जल्दी काम शुरू होने वाला है। यहाँ पर जितने भी चेकलिस्ट है ये सारा कुछ जो है यहाँ पर ऐड होने वाला है, या फिर वो बक्स जो है वो फिक्स होने वाला है। ये कब होगा? जब पॉलीफील्ड गेम का न्यू अपडेट रिलीज हो जाएगा प्ले स्टोर के ऊपर, तब जाकर जो है वो LAC के न्यू अपडेट के ऊपर जो है काम करना शुरू करेंगे। तो आप लोग जो है थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा इंतजार कर लीजिए, तब जाकर हम लोगों को लॉस एंजेलिस क्राइम ऑनलाइन का न्यू अपडेट जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। तो कितने लोग जो है बोर हो चुके हैं LAC के न्यू अपडेट का इंतजार करते करते, कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी ऑन जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, टेक केयर।